सुख तीनों
परम श्रद्धा, परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान एवं पाठ पर विराजमान जिन शासन सूर्य उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बंधु, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हमारा विषय उपासक दिशांग प्रभु महावीर के 11 अंगों में से 7वां अंग काफी दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में कल हमने 4 कारण मोक्ष में जाने की इस विषय पर सुना। गुरु कृपा से जो उन्हीं की चरण शरण में बैठकर सीख पाया हूं उसे में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा कि कल आपने सुना कि 4 कारण हैं मोक्ष में जाने के, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, कि इसमें तप का समावेश चरित्र में कर लिया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, कि मोक्ष मार्ग के 3 कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कि कल आपने सुना कि सम्यक दर्शन क्या है, कि जो प्रभु महावीर ने 9 तत्वों का और 6 द्रव्यों का वर्णन किया, उस पर श्रद्धा रखना, उसे मानना, उसे स्वीकार करना, जो उन्होंने फरमाया है वे सत्य है, ये सम्यक दर्शन है। श्रद्धा कर ली है, महान मान लिया, ग्रहण कर लिया, वो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमने अपनी आंखों पर वो हरा चश्मा सम्यक दर्शन का लगा लिया है, इसलिए हमें सूखी घास भी हरी दिखाई देती है, इस संसार की असारता में निसारता दिखाई देती है, इस संसार का राग द्वेष हमें तुच्छ दिखाई देता है, हमारे मोक्ष मार्ग में वो बाधक है, रुकावट है, ये हमें सम्यक दर्शन से पता लगता है। कि कल मैंने आपको एक पानी का भरा हुआ गिलास और आधा खाली गिलास का एक उदाहरण दिया था, वो क्यों दिया था, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार भाव आ जाता है तब ना वो आगम प्रमाण समझता है, ना आप्त पुरुषों का प्रमाण समझता है, ना अनुमान प्रमाण समझता है, ना उपमान प्रमाण समझता है, ना वो आगम प्रमाण समझता है, वो किसी भी प्रमाण को कुछ नहीं समझता। जब वो इन चीजों को समझता नहीं है तो वो मिथ्यात्वी है, ये मिथ्यात्वी भी कह सकते हैं और उसे नास्तिक भी कह सकते हैं। ज्ञान कोई खोजने की चीज नहीं है, ज्ञान आपकी आत्मा में के पुने पुने बात इसीलिए दोहराई जाती है कि शायद कल भाव कुछ और हो और आज भाव कुछ और हो। कि जो गर्व का जीव है उसका भी ज्ञान उतना ही है और जितना ज्ञान आपका है, मात्र फर्क केवल इतना है कि आपका थोड़ा जाग गया है, उसका अभी सोया हुआ है, परंतु ज्ञान में कोई अंतर, कोई फर्क, कोई भेद नहीं। कि अब हमारा आता है सम्यक चारित्र। चारित्र क्या है? कि अच्छी वेशभूषा, अच्छा बोलना, सादा खाना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्या यही चरित्र है? ये हमारा जैन धर्म इसे चरित्र नहीं कहता है, ये लोक व्यवहार है। परंतु चरित्र क्या है? मोहनीय कर्म को जो क्षय करता है उनको 5 भागों में विभाजित किया है। एक है सामायिक, दूसरा है छेदोपस्थापनीय, तीसरा है परिहार विशुद्धि,
चौथा है सूक्ष्म संपराय और पांचवा है यथाख्यात चरित्र। ये पांच प्रकार के चरित्रों का वर्णन है। सामयिक चरित्र क्या है, अब आप ये ध्यान से सुनेंगे। आज का विषय थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं अपनी पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊं। अब पांच प्रकार के चरित्र हैं कि पहला है सामयिक चरित्र। सामयिक चरित्र क्या है, जो संभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है वो सामयिक चरित्र है। इससे ज्यादा कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं है कि जो संभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है वो सामयिक चरित्र है। छेदोपस्थापनिया चरित्र क्या है, जो व्रतों को ग्रहण करता है, पूर्ण रूप से पालन करता है, वो छेदोपस्थापनीय चरित्र है। अब व्रत वो पांच व्रत भी हो सकते हैं और वो श्रावक के बारह व्रत भी हो सकते हैं, परंतु उनको ग्रहण करना और उस पर पूर्ण प्रयास करके चलना ये छेदोपस्थापनिया चरित्र है। अब तीसरा आता है परिहार विशुद्धि। ये एक प्रकार की विशेष साधना है जो आपके जीवन में जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा करके मुक्ति के पथ की ओर बढ़ाना, ये एक विशेष प्रकार की साधना है परिहार विशुद्धि। चौथा है सूक्ष्म संपराय, कि जो स्थूल पापों को त्याग कर देता है, स्थूल पाप उसके जीवन से निकल जाते हैं, सूक्ष्म पाप अभी रहते हैं, उस सूक्ष्म पापों का रहना, उस साधु के चरित्र को सूक्ष्म संपराय चरित्र कहा है। रूप से तो हमने पापों का त्याग कर दिया है, परंतु सूक्ष्म रूप में अभी हमारे अंदर बैठे हैं, विद्यमान है, विराजमान है, तो उसे सूक्ष्म संपराय चरित्र कहा है। अब पांचवा है यथाख्यात चरित्र। यथाख्यात चरित्र क्या है, कि उसकी कथने और करने में कोई अंतर कोई भेद नहीं है, भीतर और बाहर से एक समान है, समता के उच्च भावों में वो प्रतिष्ठित है, उसके कण कण में समता है, समभाव है, उसके बोलने और चलने में कोई अंतर नहीं है, जैसे वह बोलता है वैसे वह करता है, उसकी कथने और करने में कोई अंतर कोई भेद कोई फर्क नहीं है, उसे यथाख्यात चरित्र कहा है। पांच चरित्रों का आप समझ चुके हो कि अब आगे चलते हैं कि प्रभु महावीर अपनी देशना में राजा जितचित्रु और आनंद को आगे क्या समझाते हैं, और दूसरी तरफ सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को क्या सुनाते हैं। आप भी श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे कि जो ज्ञान है वो हमारे नेत्र हैं और जो हमारा चरित्र है वो हमारे चरण है, हमारे कदम है, हमारे पांव है। जब हमें ज्ञान के बारे में पता लग जाता है, सत्य की दृष्टि से हम इस संसार को देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से हम इस संसार को देखते हैं, तो हमारे पांव अपने आप धर्म की ओर, सद्कर्म की ओर, पुण्यों की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। कि हमें पता लग जाता है कि सम्यक और मिथ्यात्व का भेद हमें मालूम हो जाता है, पुण्य और पाप का हमें पता लग जाता है, कर्म बंधन और कर्म निर्जरा का हमें पता लग जाता है। ये कहां से पता लगता है, जब आप धर्म श्रवण करते हैं या आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। ज्ञान आपका नेत्र है और चरित्र आपके कदम है, कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाएंगे, आज नहीं तो कल। ज्ञान यदि आपके साथ है, श्रद्धा आपको हो चुकी है और चरित्र पर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर जाएं। वो दिन दूर नहीं। चरित्र की परिभाषाएं अनेकों की गई हैं, परंतु केवल सादे वस्त्र पहनना, सादा खाना, सादा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, लोगों से अच्छी बातचीत करना, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कोई ये चरित्र नहीं। चरित्र क्या है, यहां पर दो भेद कर दिए गए हैं, एक अंगार चरित्र एक आगार चरित्र, श्रमण चरित्र और श्रावक चरित्र भी इसको हम कह सकते हैं, कि साधु का चरित्र और श्रावक का चरित्र। कि कल मैंने आपको कहा था कि आत्मा ही
परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। कि अन्य संप्रदाय अन्य धर्म भगवान को मानते होंगे, परमात्मा को मानते होंगे, परंतु हमारा जैन धर्म हमारी आत्मा को ज्यादा महत्व देता है, उसे महत्वपूर्ण समझता है कि जिसने अपनी आत्मा को साध लिया तो उसे भगवान को साधने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई साधन सामग्री आपकी इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे स्थानक भवन या मंदिर में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कि अब यहां पर आप समझिए कि अंगार और आगार में, श्रमण और श्रावक में क्या अंतर है। उससे पूर्व संत की बहुत सारी परिभाषाएं दी, पर्यायवाची शब्द है साधु, भिक्षु, अंगार, सन्यासी, महात्मा, श्रमण, निर्ग्रंथ, संत और मुनि, ये अन्य बहुत सी प्रकार की पर्यायवाची शब्द हैं। अब साधु क्या? अब आप इस पर समझिए कि जो अपना और दूसरों का कल्याण करता है वह साधु है, जो स्वयं भी मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग पर चला रहा है वह साधु है। अब दूसरा पर्यायवाची है भिक्षु। भिक्षु कौन है? जो भिक्षा से अपने जीवन का निर्वाह करता है वह भिक्षु है। भिक्षु और भिखारी में अंतर है, क्योंकि भिक्षु अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए मांगता है और भिखारी साजो सामान इकट्ठा करने के लिए मांगता है। कि जो फुटपाथ पर सो रहा है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, हम उसे भिक्षु नहीं कह सकते, क्योंकि वो कर्मों का मारा है, पुण्य उसके जीवन में समाप्त हो चुके हैं, पापों का उदय आ गया है, कर्म उसके समय बुरा चल रहा है, या कर्म उसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में ऐसे किए हैं कि उसे साधन नहीं मिल रहे, परंतु हम उसे भिक्षु नहीं कह सकते हैं, वो भिखारी है। परंतु भिक्षु वो है जो अपने जीवन मांग कर गुजारा करता है, वह भिक्षु है। अब अंगार कौन है? जिसने इस संसार की सभी वस्तुओं पदार्थों को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? उसके पास सामान है, धन है, ऐश्वर्य वैभव है, घर गाड़ी है, महलों मकान है, परंतु उसको छोड़ने के बाद उस आसक्ति को त्याग करके जो इस साधु में आता है वह अंगार है, क्योंकि उसे इस संसार की निसारता को समझ लिया। अब सन्यासी कौन है? जो इस संसार को त्याग कर सन्यास ले लेता है वह सन्यासी है। महात्मा कौन है? जिसकी आत्मा महान है वह महात्मा है। श्रमण कौन है? श्रमण वह है जो परमात्मा की भक्ति तो करता है परंतु कोई सहयोग लेने के लिए नहीं, भगवान का नाम तो लेता है परंतु उसे प्रसन्न करने के लिए नहीं, उसके पास अपना श्रावक वर्ग तो है परंतु उसे उससे कोई सहयोग, कोई सहायता, कोई मदद नहीं लेता। जो अपना परिश्रम करके, अपना पराक्रम करके जो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है वह श्रमण है। अब निर्ग्रंथ कौन है? हम भगवान महावीर को भी निर्ग्रंथ कहते हैं। कि निर्ग्रंथ कौन है? जिसने राग द्वेष की ग्रंथियों को खोल दिया है वह निर्ग्रंथ है। अब मुनि कौन है? जिसने इस लोक और परलोक को मान लिया, समझ लिया है, जान लिया है वह मुनि। मैंने आपको साधु की,
भिक्षु की, अनगार की, सन्यासी की, महात्मा की, संत की, निर्ग्रंथ की, श्रमण की, मुनि की, ये 9 पर्यायवाची शब्दों पर आपको समझाया है। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भिक्षु कौन है और भिखारी कौन है, संत कौन है, और जिसने केवल भगवा वेश या वस्त्र सफेद पहन लेने मात्र से कोई संत नहीं हो जाता। यहां पर एक चीज और जुड़ती है, एक भाव चरित्र, एक द्रव्य चरित्र। कि भाव चरित्र क्या है? कि जिसने संपूर्ण भावों से 5 महाव्रतों को ग्रहण किया है और उसके ऊपर पूर्णता चल रहा है, ये भाव चरित्र है। और एक द्रव्य चरित्र है, केवल बाहर के क्रियाकांड है, केवल बाहर एक दिखावा है, भीतर कुछ भी नहीं है। जैसे आपको बताया कि एक यथा क्या चरित्र है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, परंतु यहाँ द्रव्य चीज और है, भाव चीज और है, उसके अंदर भाव संयम नहीं है, केवल द्रव्य संयम है, केवल द्रव्य चरित्र है, केवल बाहर का चरित्र है, केवल क्रियाकांड है, केवल दिखावा है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहां आप पर्यायवाचियों को समझ गए हैं, अब बारी आती है श्रमण और श्रावक की। साधु के कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत हैं। उन 5 महाव्रतों का 3 करण और 3 योग से जो पालन करता है, तभी उसके महाव्रत ग्रहण करने का लाभ है। आपको मालूम है कि 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करके फिर हम श्रावक के 12 व्रतों पर चर्चा करेंगे। ये इसीलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि जो हमारा उपासक दशांग सूत्र है, ग्रंथ है, आगम है, शास्त्र है, ये इसमें 10 श्रावकों का वर्णन किया गया है। और 10 श्रावकों ने क्या अंगीकार किया था? उन्होंने वो 12 व्रत ग्रहण किए थे। अभी तो पहले श्रावक का वर्णन चल रहा है। पहला श्रावक कौन सा है? आनंद। अभी वो श्रावक नहीं बना है, अभी वो केवल महावीर के समक्ष शरण में बैठा है। महावीर उसे 6 द्रव्यों का, 9 तत्वों का, 18 पापों का, 9 पुण्यों का, और किन किन कारणों से व्यक्ति किन किन योनियों में जाता है, अभी तो उसे यह सिखा रहे हैं। परंतु अब आने वाला विषय है कि 12 व्रत कौन कौन से हैं। उससे पूर्व हम 5 महाव्रतों का वर्णन समझते हैं कि अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, ना कराना, ना करने वाले की अनुमोदना करना मन वचन और काया से, तो वो अहिंसा महाव्रत है। यहां तीनों 3 करण 3 योग से सारी बात स्पष्ट हो जाती है। करना, कराना और अनुमोदना 3 करण और मन वचन काय 3 योग हो गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये महाव्रत इसीलिए कहे गए हैं कि ये 3 करण और 3 योग से है। अब आते हैं हम श्रावक के 12 व्रतों पे, कि उसके पहले जो 5 हैं वो सेम है, बराबर है, कि पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये महाव्रत नहीं है, ये उसके 5 करण और 3 योग से। यहां पर इसको स्पष्टीकरण करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं क्योंकि उसके साथ मेल खाती है 5 महाव्रतों के साथ, परंतु समझने वाली इसमें विशेष बात यह थी कि ये 2 करण और 3 योग हैं। अब हम आगे छठे 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, अब तीसरे गुण व्रत, पहले गुण व्रत पे आते हैं और श्रृंखला में वो छठा व्रत है। कौन सा है वो छठा व्रत? दिशा परिमाण व्रत। दिशा परिमाण व्रत का क्या अर्थ है? कि 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधो, उदूर्व, और 4 भी दिशाएं हैं। इस प्रकार से ये 10 दिशाएं हैं, उन 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेना कि उस दिशा में ना जाना जहां पर पाप हो सकता है, उस दिशा में ना जाना जहां पर हिंसा हो सकती है।
सकती है, उस दिशा में ना जाना जहाँ झूठ बोला जा सकता है, उस दिशा में ना जाना जहाँ से परिग्रह की भावना जागृत हो सकती है, उस दिशा में ना जाना कि किसी भी प्रकार का कोई पाप, कोई लांछन, कोई बुराई हमारे जीवन में लग जाए। उन दिशाओं की मर्यादा कर लेना, ये दिशा परिमाण व्रत है कि जब आप रात को सोते हैं तो सगारी संथारे में भी इसका आता है कि जगा की मर्यादा कर लेना, परंतु हम उसे आगार भी रख सकते हैं कि जो आवश्यक है, कि हमने आवश्यक क्रियाओं के लिए रात को मजबूरी में उठना पड़ता है, केवल उतनी जगा की मर्यादा रखकर हम अपने व्रतों का पालन कर सकते हैं। अब सातवां आता है, दिशा परिमाण व्रत हो गया, अब आता है भोगोपभोग परिमाण। कि भोगोपभोग क्या, कि जो आप ये सोच रहे हैं कि भोग भोगना, वो ब्रह्मचर्य के अंदर आ गया है। भोगोपभोग है कि अपने जीवन में वस्तुओं की, पदार्थों की मर्यादा करना, कि मैं एक वर्ष में 10 से अधिक कपड़े नहीं खरीदूंगा, अब जितनी मेरी शेष आयु रह गई है कि मैं इससे अधिक कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल इस्तेमाल नहीं करूंगा, या मैं किसी भी विकल्प, जैसे हवाई जहाज का लोग त्याग कर देते हैं कि मैं हवाई जहाज से किसी भी प्रकार की कोई यात्रा नहीं करूंगा, वस्त्र इतने ही पहनूंगा, गहने इतने ही लूंगा, मैं महीने में इतने ही पैसे खर्च करूंगा, इन चीजों की मर्यादा करना ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। आगे आता है पांच अनुव्रत, तीन गुण व्रत, अब आता है अनर्थ दंड विरमन व्रत। इसमें क्या है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना, उनको भी मर्यादित करना, कैसे कि जाते जाते किसी को टांग लगा देना, बाँह लगा देना, कोई टहनी निकली हुई है पेड़ की उसे तोड़ देना, कोई फूल सुंदर लग रहा है आप बगीचे में जाते हैं उन फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर उन्हें सूंघकर वहीं अच्छे से निचोड़कर उसे वहीं फेंक देना, ये अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना। किसी भी प्रकार की टहनी या फूलों को या किसी को कष्ट पहुंचाकर दुख ना देना, हिंसा ना करना, ये अनर्थ दंड विरमन व्रत है। अब आखिरी में आते हैं, पांच अनुव्रत हो गए, तीन गुण व्रत हो गए, अब आते हैं चार शिक्षा व्रत। पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। सामायिक क्या, कि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति थका हुआ होता है, मानसिक रूप से परेशानियां हैं, घर परिवार की परेशानियां, परिवार सामाजिक रूप से परेशानियां हैं, व्यापारिक परेशानियां हैं, उन परेशानियों से हटकर 48 मिनट के लिए अपने मन को और अपनी बुद्धि को शांत भाव में लेके आना, समता भाव में लेके आना, एक आसन पर अपने आप को प्रतिष्ठित करना, ये सामायिक। समय हो गया, मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। हमारे चार, पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत रह गए हैं। चार शिक्षा व्रत का हम कल गुरु कृपा से कुछ सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। और प्रभु महावीर अब यहाँ पर आनंद को 12 व्रतों का संक्षेप से विवरण समझाते हैं, आप आए और उस प्रभु महावीर की वाणी का लाभ लें। ज्यादा ना कहता हुआ किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रतनत्रय आराध का पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं, कुर्वन्तु नो मंगलं। परम आराध्य
परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर मैं अपनी सीमित सी बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान कण संचित और संग्रहित कर पाया उसी के आधार पर आपको कुछ सुनाने का प्रयास एवं प्रयत्न करता हूँ। कई दिनों से हम लोग लोभ कषाय उसके स्वरूप उसकी हानियों और उससे होने वाले नुकसानों के बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे थे। लोभ दान के गुण में भी व्यवधान और रुकावट उपस्थित करता है। लोभी व्यक्ति कभी भी उदार और फिराक दिल होकर दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने धन और अपनी संपत्ति का सदुपयोग और इस्तेमाल नहीं कर सकता। विवेकवान मनुष्य के लिए यही उचित और जुडिशियस है कि यदि पुण्य के प्रताप से उसके पास धन संपत्ति लक्ष्मी जरूरत आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो वह बिना किसी देरी और विलंब के विदाउट एनी डिले दोनों हाथों से दान देना प्रारंभ कर दे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नौका में पानी के भर जाने पर उसे बिना किसी देरी के दोनों हाथों से उलीच कर बाहर निकाल दिया जाता है, अन्यथा नौका के डूब जाने समुद्र तल में पहुंच जाने का भय और खतरा रहता है। कबीर जी इसीलिए तो कहते हैं जल बढ़े यदि नाव में घर में पड़े यदि दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। मानव जीवन पाकर हमें अपने आत्मिक गुणों का विकास करना चाहिए। दान ही उसकी प्राथमिक भूमिका एलिमेंट्री स्टेज है। यदि मनुष्य के हृदय में उदारता जेनरोसिटी फिराक दिली नहीं होगी तो वह किसी भी सूरत में किसी को कुछ देने के लिए तत्पर और तैयार नहीं हो सकता। दान का प्रभाव असीम अपरिमित और अनलिमिटेड है। जिस प्रकार सूर्य विश्व के अंधकार का नाश करता है और प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार दान आत्मा के अज्ञान अंधकार को दूर करके हृदय में पवित्रता के प्रकाश को प्रसृत करने का कार्य करता है। मुक्ति रूपी महल के सोपान स्टेयरकेस की पहली सीढ़ी दान ही तो है। जिस पर कदम रखे बिना चरण टिकाए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति महल में प्रवेश नहीं कर सकता, एंट्री नहीं पा सकता। दान शील तप और भावना मोक्ष प्राप्ति के चार मार्गों और साधनों में सर्वप्रथम स्थान के रूप में दान का उल्लेख किया गया है। दान की महिमा और महात्म्य को सिर्फ हिंदू जैन बौद्ध और वैदिक परंपरा ही नहीं बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म ने भी स्वीकार किया है। दिगंबर आमनाय के एक प्रसिद्ध ग्रंथ वसुनंदी श्रावकाचार में कहा गया है, आहार ओसह सथ अभय भयो चौविहम दानम तम दायवम निदिठम उवासे अध्ययने, अर्थात उपासक अध्ययन नामक शास्त्र में विशेष रूप से ऐसा निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है कि भोजन औषधि शास्त्र और अभय ये चार प्रकार के दान हैं और हर बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को इन दानों को देने के लिए हमेशा उद्यत और तत्पर रहना चाहिए। बौद्ध परंपरा में भी ऐसा ही कहा गया है, ना वे कदरिया देवलोकम वजन्ति बालाह वे ना पसन्ति दानम धीरोच दानम अनुमोद मानो सा होती परत सुखी। जो व्यक्ति दान देने के लिए उद्यत और तत्पर रहता है, उदारता पूर्वक
अपनी संपत्ति से दूसरों को राहत पहुंचाने का प्रयत्न करता है, ऐसा धीर और गंभीर व्यक्ति ही लोक और परलोक में सुखी होता है। और जो व्यक्ति दान देता नहीं, दान देने वाले की प्रशंसा और तारीफ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को बाल और अज्ञानी समझना चाहिए। उसका धन माल भी व्यर्थ चला जाता है और उसके जीवन का भी कोई विशेष मूल्य और कोई विशेष कीमत नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप अवश्य करने चाहिए, इन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमानों को भी पवित्र करने का कार्य करते हैं। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम। एक बार ईसा मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? ईसा ने कहा, भाई करना क्या है, तुम किसी जीव की हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, झूठ मत बोलो, चोरी का सेवन मत करो, किसी के सुख साधनों को ललचाई हुई निगाहों से मत देखो, दुराचार का सेवन किसी सूरत में तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए, माता पिता का, अपने से बड़े लोगों का आदर करो, और घिनौने स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठी गवाही देने से भी बाज आओ। यह बात सुनकर वह धनी व्यक्ति बोला, भगवान, ये सारे कार्य तो मैं बचपन से ही करता चला आ रहा हूँ। तो उसके इस जवाब को सुनकर ईसा ने उसे समझाते हुए कहा, भाई अगर ये सारे काम तुम बचपन से करते आ रहे हो तो फिर और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ तुम्हारे पास है इसे जरूरतमंदों, अभाव ग्रसितों और नीडी लोगों में बांट दो और मेरे साथ हो जाओ। यह बात सुनकर वह अमीर व्यक्ति, धनाढ्य इंसान बहुत दुखी और आकुल व्याकुल हुआ, क्योंकि अपने पर लक्ष्मी देवी की महती अनुकंपा और कृपा दृष्टि होने पर भी वह एक कानी कौड़ी, फूटी दमड़ी भी किसी को देने के लिए उद्यत और तत्पर नहीं होता था। उसकी असलियत को समझकर उसे बोध देते हुए ईसा मसीह ने कहा कि सुई की नोक के अग्र भाग में से ऊंट का निकल जाना कदाचित मुमकिन और संभव है, किंतु अच्छी तरह समझ लो कि धन के लोभी और लालची इंसान का, जो अपने सुख साधनों का दूसरों के भले के लिए कदापि इस्तेमाल और प्रयोग नहीं कर पाता, उसके लिए इन सारे सुख साधनों को प्राप्त करने और उपलब्ध करने का कोई मतलब, कोई अर्थ और कोई प्रयोजन नहीं रहता। बंधुओं, इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म में जीवन का शुभारंभ दान देने से होता है। तीर्थंकर संयम अंगीकार करने प्रवर्जित होने से पहले पूरे एक साल तक दान देते हैं, जिसे वर्षी दान कहा जाता है, और परंपरा अनुसार वे प्रतिदिन 1,88,00,000 स्वर्ण मुद्राएं याचकों और जरूरतमंदों में वितरित करते हैं। देवता, जिस संपत्ति का कोई मालिक कोई स्वामी नहीं होता, जो धरती में गड़ी हुई पड़ी रहती है, उसे लाकर तीर्थंकरों के भवनों में उस संपत्ति और सोने की मोहरों की वर्षा कर देते हैं, और तीर्थंकर अनासक्ति भाव से अपने द्वार पर आने वाले याचकों को उन्हें उदारता पूर्वक प्रदान कर दिया करते हैं। खेत में बीज बोने, सीड सो करने से पहले किसान हल चलाकर अपनी जमीन को नरम और मुलायम बनाता है। उसी प्रकार मानसिक और आत्मिक गुणों का विकास करने के इच्छुक साधक को उदारता पूर्वक दान के द्वारा अपने हृदय की भूमि को भी उर्वरा, उपजाऊ और फर्टाइल बनाना चाहिए। आप लोग अपने धन को ब्याज पर देते हैं, व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, खेती के इस्तेमाल और उपयोग में लाते हैं,
किंतु इन सब से जितना मुनाफा और जितना फायदा होता है उससे अनंत गुना अधिक मुनाफा धन को दान में देने से होता है। इसीलिए तो किसी विद्वान ने कहा है, ब्याजे स्यात् द्विगुणं वित्तं, व्यापारे च चतुर्गुणं, क्षेत्रे शतगुणं वित्तं, दाने अनंत गुणं भवेत्। बहुत सुंदर प्रेरणा दान के लिए व्यक्ति को दी गई कि ब्याज से दुगुना, व्यापार से चार गुना, खेती से 100 गुना मुनाफा और प्रॉफिट होता है, किंतु दान देने से अनंत गुना अधिक लाभ और मुनाफा हुआ करता है। यानी दान देकर अपनी संपत्ति को अनंत गुना करना दाता के लिए मुमकिन और संभव हो जाता है। दान देने से संपत्ति में कोई कमी और कोई ह्रास नहीं होता। इसीलिए तो कबीर जी भी अपने एक दोहे के माध्यम से यही भाव अभिव्यक्त करते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। जिस तरह इसी पवित्र भारत भूमि पर राजा भोज, दानवीर करण और हरिश्चंद्र जैसे महादानी हुए हैं, जिन्होंने अपने द्वार पर आने वाले याचक को कभी भी निराश और असंतुष्ट होकर वापस नहीं लौटने दिया, चाहे वह उनका दुश्मन और शत्रु ही क्यों ना हो। करण के पास इंद्र ब्राह्मण के छदम वेश में आया और उससे उसके दिव्य कवच और कुंडल की मांग की, जिनके रहते किसी भी शस्त्र का उस पर कोई असर और कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। करण ने यह जानते हुए भी कि उसके साथ छल किया जा रहा है, उसका सर्वस्व हरण करने का घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है, किंतु फिर भी उसने उदारता पूर्वक अपना कवच और कुंडल उतारकर छदम वेशधारी ब्राह्मण को दे दिया था। इस प्रकार के अनेकों अन्य उदाहरण, एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस हमें इतिहास के पन्नों पर मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत भूमि पर कैसे कैसे अनुपम और विलक्षण दानवीर हुए हैं, जिनका नाम सुमिरन करने से भी व्यक्ति का हृदय पवित्र और पावन हो सकता है। करण ने कवच और कुंडल के रूप में एक तरह से अपने जीवन का ही दान दे दिया था, और वह भी एक क्षण का विलंब और देरी किए बिना। छदम वेशधारी ब्राह्मण को संबोधित करते हुए उसने कहा, ब्राह्मण देव, अत्यंत शीघ्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाओ और अपने द्वारा याचना की हुई वस्तु ले जाओ, क्योंकि धन तो चंचल है ही, मन उससे भी ज्यादा चंचल और अस्थिर है। ना मालूम कब अंतःकरण में जलता हुआ सत्य का दीपक गुल हो जाए, बुझ जाए। इसलिए दान के माध्यम से सत्कर्मों का उपार्जन करने में कदापि कोई विलंब, कोई देरी और कोई डिले नहीं करना चाहिए। महाकवि कालिदास अपनी अमर कृति मेघदूतम में कहते हैं, आपन नारती प्रशमन फला संपदो ह्यु उत्तमानं, अर्थात मुसीबत जदा विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख दर्दों और अभावों को दूर करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना ही उत्तम पुरुषों की संपत्ति का फल होता है। दान परोपकार हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल है। दान का महत्व दानी की सामाजिक प्रतिष्ठा से ज्ञात हो जाता है। वेदकालीन विद्वान भी यही कहते हैं कि दानी अमर पद को प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में इसीलिए तो कहा गया, दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, दानी लोग अमर पद को प्राप्त करते हैं, उनके यशस्वी शरीर का कदापि विनाश और विध्वंस नहीं होता। भले ही औदारिक शरीर, फ्लैश बॉडी वक्त आने पर उन्हें छोड़ना पड़ता है, किंतु उनका यशस्वी शरीर कभी भी विनष्ट और विध्वंस होने का नाम नहीं लेता।
जब तक संसार का अस्तित्व और एग्जिस्टेंस है तब तक उनकी शोहरत, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत ज्यों की त्यों बरकरार और सुरक्षित बनी रहती है। जिन देवताओं की हम वंदना करते हैं उनका प्रधान लक्षण यही है कि वे वरदान देते हैं। अगर वे वरदान ना देते तो उन्हें पूजना तो दरकिनार रहा, कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं होता। भगवान का भी लोग इसीलिए भजन करते हैं क्योंकि वे मुक्ति प्रदाता माने गए हैं। मनुष्यों में वही इंसान पुण्यवान माना जाता है जो हमेशा परोपकार यानी दूसरों का भला करने के लिए उद्यत और तत्पर बना रहता है। जो व्यक्ति मात्र के प्रति, मित्रों और द्वेषियों के प्रति भी कोई अन्यथा भाव अपने भीतर नहीं रखता, सबसे उदासीन होकर सभी में समान आत्म तत्व का दर्शन और साक्षात्कार करता है, उसी से पिता पुत्रवान और माता को वीर प्रसविनी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, अर्थिनाम मित्र वर्गस्य विद्विषाम या परांग मुखम यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वारसु। बंधुओं, गुरु को इतना ज्यादा गौरव और गरिमा उनके ज्ञान दान की वजह से ही तो प्रदान की गई है। गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान के आलोक में व्यक्ति अपने जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। इसलिए मनुष्य का बड़प्पन संचय और संग्रह में नहीं बल्कि त्याग और दान के गुण में छिपा हुआ रहता है। त्याग और दान धर्म अपने आप में पूर्ण और कंप्लीट धर्म माने जा सकते हैं, किंतु फिर भी इनमें थोड़ा बहुत अंतर, डिफरेंस और फर्क अवश्य पाया जाता है। त्याग का निवास धर्म के शिखर और टॉप पर है और दान का निवास धर्म के ललाट, मस्तक और फॉरहेड पर है। त्याग में दयालुता का स्वभाव रहता है और दान में ममत्व का स्वभाव रहता है। त्याग समझिए पापों के मूल धन को चुकता करना है और दान मानो उस मूल धन के ब्याज और इंटरेस्ट की अदायगी करने के समान है। त्याग ठीक जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का कार्य करता है और दान के द्वारा मानो ऊपर ऊपर से कोपलों को उखाड़ने और नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। त्याग पीने की दवा है और दान सिर पर लगाने वाली औषधि और दवाई है जिसका उतना लाभ और उतना फायदा नहीं होता जितना पी जाने वाली औषधि और उसके असर और उसके प्रभाव का व्यक्ति के शरीर पर निरोगता के परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में हुआ करता है। त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है और दान में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा भी कुछ ना कुछ अवश्य बनी रहती है। बंधुओं, आशा है कि आपने दान के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हमें सोचना और समझना तो यह है कि दान से वैयक्तिक और सार्वजनिक यानी पर्सनल, इंडिविजुअल और सोशल लाइफ की दृष्टि से क्या लाभ और क्या फायदा होता है। सर्वप्रथम यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह जानना चाहिए कि दान ही एक प्रकार से ईश्वर की पूजा है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, मठ में और आश्रम में जाने से ईश्वर की सच्ची और असली पूजा नहीं हो सकती, वरन दीन दुखियों, अनाथों, असहायों और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता और जरूरत के मुताबिक देने से ही, उनके अभावों को पूरा करने से ही ईश्वर की वास्तविक और असली पूजा, अर्चना, उपासना और वर्शिप होती है। ईश्वर किसी भी धर्म स्थल में निवास नहीं करता, वह तो दीन दरिद्रों और दुखी लोगों की झोंपड़ियों में रहता है और उनको किसी भी उपाय से प्रसन्न कर देना
ईश्वर की सच्ची पूजा है, ईश्वर का सच्चा भगत सृष्टि के कण कण में परमात्मा का निवास देखता है। वह कहता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शब में जलवा तेरा हूबहू है। यानी परमात्मा अंश रूप में हर प्राणी में विद्यमान है, बना हुआ है। तो जब वह दिव्य अंश सभी में टिका हुआ है तो किसी को भी अपने से बेगाना नहीं समझना चाहिए। और जब सब में वह परमात्मा का अंश विद्यमान है तो सभी की जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी करके उन्हें राहत पहुंचाना उस परमात्मा की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की ऐसी दृढ़ धारणा बन जाती है, येन केन प्रकारेन यस्य कस्यापि देहिने संतोषम जनयेत प्राज्ञ तद्देव ईश्वर पूजनम। जो व्यक्ति हर जीव में परमात्मा को विद्यमान समझकर उनके दुखों को दूर करने और उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्न करने में लगा रहता है, समझ लीजिए उसे ही सच्चे मायने में परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार होता है। और वही परमात्मा के उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके उससे मालामाल होकर साधना के पथ पर आगे बढ़कर अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य और अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा का आदेश है कि जिसे जो भी शक्ति मिली है वे अपनी उस शक्ति का सदुपयोग और सही इस्तेमाल करें, उससे स्वयं भी फायदा उठाए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने से कोई संकोच ना करे। जिस तरह पेड़ों के मधुर फल और नदियों का मीठा जल दूसरों के काम आता है, उसी प्रकार मनुष्य का ऐश्वर्य वैभव धन संपत्ति भी दूसरों के इस्तेमाल और उपयोग में आनी चाहिए। कहने का अभिप्राय और आशय यह है कि जो व्यक्ति परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर सर्वत्र उसके अस्तित्व को मानकर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करता है, ऐसे ही साधक का जीवन सफल और सार्थक माना जा सकता है। वही आत्म कल्याण कर सकता है, दान परोपकार से सामाजिक उन्नति सोशल अपलिफ्टमेंट होती है, स्वार्थपूर्ण संग्रह करने की भावना से समाज का भला और कल्याण हरगिज नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका फर्ज है कि वह समाज की उन्नति में अपना हर संभव योगदान और कंट्रीब्यूशन दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका सामाजिकत्व ऐसी दुष्वृत्ति की वजह से अवश्य प्रभावित होता है, उस पर असर और प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समाज से ही अन्न वस्त्र और मकान लेता है, जीने के योग्य सुंदर वातावरण प्राप्त करता है। अतः समाज के प्रति उसका जो फर्ज और दायित्व है, जो उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसे भी उसे अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो कुछ देना है अपने जीवन काल में ही दे देना चाहिए। मनुष्य को किसी उपयोगी वस्तु का भी जरूरत से ज़्यादा संचय और संग्रह करने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। भागवत में नारद जी कहते हैं, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वो ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो दंडहरति। जितने से अपना पेट भरता हो उतने पर ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वत्व और अधिकार है। जो अपनी जरूरत से ज़्यादा संचय और संग्रह करना चाहता है वह चोर और दंडनीय है। हिंदी की एक कहावत भी है, पेट भरो परंतु पेटियां मत भरो। पेट तो दो चार छः आठ रोटियां खाने से भर जाएगा किंतु पेटियां कभी भी भरने का नाम नहीं लेती। एक पेटी भरती है, व्यक्ति दूसरी पेटी खरीद कर ले आता है और उसके बाद यह क्रम जिंदगी भर कभी भी समाप्त होने का नाम नहीं लेता। तिजोरियां सेफ्स घर में बढ़ते चले जाते हैं,
किंतु लालच, हवस और तृष्णा कभी भी शांत होने का नाम नहीं लेती। लोभी और लालची व्यक्ति ही दान के द्वारा अपने धन का सदुपयोग और सही इस्तेमाल करने के आत्मिक लाभ से भी महरूम और वंचित रहता है। किस तरह से, किस भावना पूर्वक दिया जाने वाला दान सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, इस बारे में हम गुरु कृपा से आगामी प्रवचनों में कुछ विशेष समझने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।